केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी तीन काले कानूनों को वापस लेने हेतु देश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के आज 6 माह पूर्ण होने पर झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश अनुसार कांग्रेस नेता सह इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष साजिद अली खान ने अपने आवास पर काला झंडा एवं काले बिल्ला लगाकर किसान आंदोलन को समर्थन एवं केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध किया है। इस दौरान साजिद अली खान ने कहा, आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में नहीं बल्कि पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम कांग्रेस कार्यकर्ता किसान आंदोलन के साथ निश्चित तौर पर खड़े रहेंगे, संवैधानिक ढंग से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन के 6 माह पूर्ण होने पर साजिद अली ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से बात कर हालचाल जाना एवं किसान आंदोलन के नायक श्री राकेश टिकैत के बेटे श्री चरण सिंह टिकैत से बात कर पूर्ण की भांति अपना नैतिक समर्थन आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को दिया है। इस दौरान साजिद अली ने चरण सिंह टिकैत को आश्वस्त किया है कि पूर्व की भांति आने वाले दिनों में गाजीपुर एवं सिंधु बॉर्डर आकर पुनः समर्थन देने का प्रयास करूंगा। आज आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं? देश के किसान कई महीनों से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और हमारी केंद्र की मोदी सरकार जो तीन काले कानून किसानों के खिलाफ देश के खिलाफ लेकर के आई है वो वापस नहीं ले रही है। आज 26 तारीख को इस किसान आंदोलन का 6 माह पूरा हो रहा है और किसान भाइयों ने इसे आंदोलन को आधार धार बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए इसे एक यादगार के तौर पर बनाने का जो निर्णय लिया है उसे तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज यही वजह है कि झारखंड प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार हम कांग्रेस जन अपने घरों पे काले झंडे लगाकर बाजुओं में काले बिल्ले लगाकर केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैंने दूरभाष पे मोबाइल के माध्यम से जो किसान आंदोलन के नेता हैं राकेश टिकैत जी उनके पुत्र से बात किया है और उन्हें निश्चित तौर पे जो एक भारत की जनता होने के नाते उन्होंने देश के लिए और हम सबों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए हमने उन्हें बधाई दी है और मैंने वादा किया है कि पूर्व की भांति जिस प्रकार से मैं लगातार सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जाकर के उन लोगों का समर्थन दिया है आगामी कुछ दिनों में मैं जब भी उधर जाऊंगा तो मैं जा करके उन्हें अपना समर्थन दूंगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह आंदोलन आगे चलेगा और निश्चित तौर पे देश की किसान भाइयों की जीत होगी और जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं उसका हार होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। साजिद अली खान, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड।